टूरिस्ट सेंटर भी है पासीघाट में, तो ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हुए आपको सीधा दिखाएगा वो व्यू, एक ऐसा व्यू जहाँ जिस व्यू को देखने के लिए बाहर बाहर से असम से भी आता है और पासीघाट से तो आता ही है, बट दूसरा डिस्ट्रिक्ट का भी अगर कोई पासीघाट विजिट करता है तो ये व्यू को नहीं आता है। तो ज़्यादा सस्पेंस भी नहीं रखेगा, चलिए आपको हम ले चलेगा उस व्यू पॉइंट में, जहाँ से आपको एक ऐसा सुंदर से एक बस्ती का नज़ारा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये काली घटा है, ये सबको पीछे छोड़ते हुए अभी चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉर्निंग मेरे हम सफ़र, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होगा। बहुत दिन हो गया वीडियो अपलोड नहीं करने वाला, मालूम नहीं क्या हो रहा है आजकल, दिल ही नहीं लग रहे। फिर भी हम और आप एक सफ़र फिर निकल पा रहे, तो समय समय में टाइम टाइम में कवर तो लेना ही पड़ेगा वीडियो अपलोड करके। तो पासीघाट से बहुत दूर, 15 किलोमीटर कुछ ऐसे दूर, थोड़ा दिमाग को फ्रेश करने के लिए सुबह सुबह हम निकल आए। तो देख लीजिए एक बार पोंगंग व्यू पॉइंट, आना चाहिए एक बार ना एक बार आप सभी को यहाँ पे, अगर आप पासीघाट या अगर पासीघाट को विजिट करता है तो। वो माइटी सियांग रिवर जो आगे जाके ब्रह्मपुत्र कहलाता है, तो यहाँ से ठीक से एंगल दिखाई नहीं दे रहा पोंगंग विलेज का, आपको दिखाई दे कि नहीं रहे, दे रहा है कि नहीं दे रहा है मालूम नहीं, लेकिन दे रहा है तो अच्छा बात है, वीडियो में जूम भी नहीं कर पा रहे। तो आप वो जहाँ छोटा सा बस्ती देख रहे हैं वही है पोंगंग विलेज, पोंगंग बस्ती पापर सियांग में आता है। तो ये जगह से अच्छा व्यू आएगा लगता है, लेकिन ये जगह में जो छोटा जिसका छोटा डील है वो जगह में, ये जगह में नहीं चढ़ने रिस्की है थोड़ा सा। ये तरीका अरे कुछ यहाँ से पानी भरा हो गया, 2-3 दिन में बहुत बारिश गिर रहा है। ये तो है आपका सियांग रिवर और ये यमुना ब्रिज और हैंगिंग ब्रिज है वो यमुना, आप देख रहे कि नहीं देख रहे मालूम नहीं, दे बारिश भी होने जा रहा है। तो अब वो जो आर्ट कटिंग देख रहे हैं रोड का, वो रिसेंटली लास्ट ईयर बना है शायद, पोंगंग बस्ती भले ये रोड का ये हाईवे का बहुत सामने है, लेकिन बहुत साल लग गया इसको रोड कनेक्टिविटी आने में, इस पर अभी भी रोड टिक तक नहीं है शायद वो बस्ती का। तो फिर से ये जो आप देख रहे हैं ये नदी है यमुना नदी, और क्या बोलेंगे तो सियांग रिवर देख के थोड़ा डर लग रहा है। आप लोग भी आइए ये व्यू को देखने के लिए, लेकिन ये जगह भी मत छेड़िए, थोड़ा रिस्की भी है, जिसका दिल छोटा होगा वो यहाँ आएगा तो थोड़ा सा नर्वस भी हो सकते हैं, और अगर नर्वस होकर डायरेक्ट उठेगा तो डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। इतना शांति है मालूम नहीं, बहुत दिन हो गया ब्लॉगिंग नहीं करने वाला, तो थोड़ा सा नर्वस भी हो रहे हैं, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा समझ में नहीं आ रहा है। बारिश भी होने जा रहा है, ठीक है अभी जाना पड़ेगा।
मिलते हैं अभी टाइम टाइम में। ये आपको ले चलेगा पोंगिंग विलेज भी किसी दिन। तो लास्टली यही है ओवर व्यू पोंगिंग व्यू का। आइए विजिट कीजिए, अगर आप सुबह को विजिट करता है तो बहुत अच्छा है, शाम को विजिट करता है तो भी और अच्छा है, लेकिन जब भी विजिट करता है ये जगह को आप साफ रखिए। दुनिया भर का अंकल चिप्स का पैकेट है और ये बोतल शोतल दुनिया भर का है। तो फिर से बता दो कि ये रास्ता आपको यिंगक्योंग अपर सियांग ले जाएगा और में मेरा हम सफर जैसे आप सब है ये भी मेरा साथ हमेशा चलता रहेगा। तो मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉक में।